My body went numb like a minute ago. I can't feel a thing from my head to toe. I lost my mind, man, I'm out of control. I can't stop, no, thinking I'm about to blow. Like a dog fly, you will see the bullets fly. War cry and there ain't gonna be a place to hide. I got something that's deep inside, like an instinct saying there gonna be a fight. I can feel the eye of a hurricane. It's calm now, but I know that it's bound to change. I see the fight in the rise from a lot of pain. I feel the energy rise and something change. Yeah, I'm in deep now. My ears ring, it's about to get loud. My heart beats, I'm about to black out. So watch out. There ain't no going back now. There ain't no. हे ट्रेनर्स व्हाट्सअप, आई होप सो डूइंग वेल। तो आज का गेम प्ले होने वाला ग्रेन निंजा के साथ, क्योंकि बेसिकली मैंने कल पोल डाला हुआ था, मोस्ट ऑफ द वोट ग्रेन निंजा के ऊपर आए हुए थे। तो बेसिकली मैं बॉटम लेन पे पुश कर देता हूँ और बॉटम लेन पे मेरा जल्दी से जल्दी लेवल 5 अपग्रेड करने का ट्राई करता हूँ। तो जल्दी से जल्दी मेरा लेवल 4 भी अपग्रेड हो जाता है, तो लेवल 5 ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली इस गेम प्ले में जो मूव सेट यूज़ किया, स्मोक स्क्रीन पर सर्प लिटरली ओपी है। पूरे गेम प्ले में मैंने 18 किल किए। तो बेसिकली सामने से 20 सिक्योर करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ड्रैगन हेड को खाली बेसिक अटैक मार रहा था, उसको किल सिक्योर कर पा रहा था, लेकिन हंटर उसको टप्पा देता है और मेरा लेवल 5 अपग्रेड हो जाता है। मेरा स्मोक स्क्रीन में एक्टिवेट कर देता हूँ। सीधा मैं मिड लेन पे आता हूँ और मिड लेन पे देखता हूँ मेरा फाइट होता है ड्रैगन हेड के साथ साथ। तो ड्रैगन हेड के साथ मैं वन शॉट कर देता हूँ उसको बेसिक सर्फ के कॉम्बो से। तो टॉप लेन पे आता, टॉप लेन पे स्लोब्रो और पिकाचू था, तो स्लोब्रो को ऑलरेडी म्यूटो टप्पा देता हूँ और मैं बेसिक अटैक से पिकाचू को टप्पा देता हूँ। ऑलरेडी मेरा 13 का कैप था, तो 13 का कैप ऑलरेडी मैं सिक्योर करता हूँ और फुल्ली आप टॉप लेन को डोमिनेट करते। तो ऑलरेडी रेगली के आने के लिए 24 सेकंड बचे होते, सामने से 20 आते हैं, तो 20 सिक्योर करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरे ऊपर हमारे ऊपर हंटर अटैक कर देता है, हंटर का खाली बेसिक कॉम्बो से टपका देता हूँ और बेसिक कॉम्बो से टपकाने के बाद सामने देखता हूँ स्लोब्रो और पिकाचू बेस दोनों 2v1 करने का ट्राई कर देते। मैं वन शॉट आल्टी से स्लोब्रो को टप्पा देता हूँ और बेसिक अटैक से पिकाचू को और 3Qs कर देता हूँ। और ऑलरेडी मेरा 15 का कैप था, तो 15 का कैप सिक्योर करने के बाद ऑलरेडी हम टॉप लेन को डोमिनेट करते और रेगली की सिक्योर करना स्टार्ट करते। जैसे रेगली की सिक्योर करने का माइंड में चला रेगली की, ऑलरेडी हम टॉप लेन को डोमिनेट करते, सीधा बॉटम लेन पे आता हूँ। तो बॉटम लेन पे ऑलरेडी मेरा 16 का कैप था, उसको सिक्योर करता हूँ और बॉटम लेन को भी डोमिनेट करते। ऑलरेडी रेगी रॉक सिक्योर करना स्टार्ट कर देते, सॉरी रेगिस्टील, और रेगिस्टील सिक्योर करने के बाद सीधा मैं फिर से बॉटम लेन पे आता हूँ। तो बॉटम लेन पे देखता हूँ मेरा फाइट होता था हंटर के साथ, हंटर को खाली बेसिक कॉम्बो से टप्पा देता हूँ, फिर से टॉप लेन पे चलता हूँ। तो टॉप लेन पे स्लोब्रो को टप्पाता हूँ और थोड़ा अनलक्की हो जाता है और मेरा मिड लेन पे पुश करने का ट्राई करता हूँ। तो मिड लेन पे ऑलरेडी मेरा फाइट हो जाता है ड्रैगन हेड के साथ, क्योंकि ड्रैगन हेड का जो स्ट्रेस था ना, वो बेसिकली मेरे ऊपर फुल्ली हैवी हो रहा था। मैं ड्रैगन हेड को उठा देता हूँ, टपका देता हूँ, तो मैं सीधा बॉटम लेन पे आता हूँ। बॉटम लेन पे ऑलरेडी पिकाचू आल्टी लो चला देता है, आल्टी चलाने के बाद थोड़ा बैकअप पे आता हूँ, क्योंकि बैकअप पे मेरे को ना थोड़ा डोमिनेट करने का स्टार्ट कर देता हूँ। सामने से एगिलेस पिकाचू को टप्पा देता हूँ, सर्फ के कॉम्बो से मैं 2Qs कर देता हूँ बेसिकली, क्योंकि ग्रीन निंजा का एडवांटेज ये होता है ना सर्फ स्किल का, क्योंकि उसका कूलडाउन रिडक्शन 0 हो जाता है। अगर आप सर्फ स्किल यूज़ करना सीख गए ना लिटरली गाइस, आप ग्रीन निंजा प्रो बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बेसिकली मैं टॉप लेन पे आता था, रेगुलर के आने के लिए 15 सेकंड बचे हुए थे, तो सामने से अपना ड्रैगन हेड था। तो बेसिकली हम रेगुलर के वाले बेसिक अटैक से सिक्योर करने का स्टार्ट कर देता हूँ। इधर मैं ड्रैगन मतलब पिकाचू का टप्पा देता हूँ और ड्रैगन हेड आता है, तो ड्रैगन हेड इधर आने का ट्राई करता हूँ, आगे अपना मतलब रेगुलर के सिक्योर करते हैं और रिक्वेस्ट ऑफ फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ऑलरेडी रेक्वेस्ट ऑफ फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्टार्ट ही हो गया। तो सामने से डेसिडो आया था, तो डेसिडो वहाँ पे छुपा हुआ था, डेसिडो के ऊपर मैं अल्टी चला देता हूँ लेकिन मिस हो जाता है। मैं बेसिक अटैक से उसको टपका देता हूँ, बेसिक अटैक से टपकाने के बाद रेक्वेस्ट ऑफ सिक्योर करने का ट्राई करता हूँ। तो मेरे ऊपर पिकाचू अटैक करने का ट्राई करता, खाली 1 HP बचा हुआ था, 1 HP से मैं रेक्वेस्ट ऑफ सिक्योर करता हूँ, मेरा फाइट हो जाता है गेंगार के साथ। गेंगार को खाली बेसिक अटैक से टपका देता हूँ, तो मैं एनिमी के टॉप लेन पे पुश करने का ट्राई कर देता हूँ। तो बेसिकली वहाँ पे गेंगार ड्रैगन हेड और स्लोब्रो टफ फाइट दे रहे थे, तो स्लोब्रो को खाली बेसिक अटैक से टपकाता हूँ, मतलब बेसिक अटैक से। तो ड्रैगन हेड के ऊपर भी अटैक करने वाला था, लेकिन मैं पहले 15 का कैप सिक्योर करता हूँ, तो 15 का कैप ऑलरेडी मैं सिक्योर कर ही चुका होता हूँ। तो बेसिकली इस गेम प्ले में जो बिल्ड यूज़ किया है ना, मसल बैंड, रैपिड फायर और स्कोप लेंस लिटरली ओपी, और एम्बलम मोस्टली यूज़ किया रेड प्लस ब्राउन, क्योंकि रेड मोस्टली काम आते हैं अटैक स्पीड के लिए और ब्राउन मोस्टली काम आते अटैक के लिए, मतलब थोड़ा क्रिटिक डैमेज वाला भी एम्बलम है मोस्टली। तो बेसिकली मेरा फाइट हो जाता है गेंगार के साथ 1v1, तो गेंगार को खाली मैं बेसिक अटैक से उड़ा देता हूँ और सर्फ मतलब जो स्लोब्रो था, तो स्लोब्रो को जहाँ पे स्केप करता हूँ, तो मैं एनिमी ऑलरेडी बॉटम लेन पे अटैक कर देते, तो मैं वन शॉट आल्टी से स्केप उड़ाने का ट्राई करता हूँ, मेरा आल्टी एक्टिवेट हो जाता है। इधर वन शॉट आल्टी से मैं पिकाचू को टप्पा देता हूँ और स्लोब्रो को भी किल उठाने वाला, तो मतलब 2Qs ही कर देता हूँ। तो मोस्टली इस गेम प्ले में 18 किल किए,
तो देखो यार, आपको ना अगला वीडियो कौन सा चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मोस्टली डालने वाला हूँ सिंड्रेस, वर्शेप और जेरोरा, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको अगला गेम प्ले कौन सा चाहिए। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, मंडल आपला आभारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।